Namaskar, a very warm welcome to all of you. I am Nupurkul Shresth and you are watching this session live on eVidya channel number 9, and you may also stream this session live on our YouTube channel NCERT Official. Today in this session we will discuss the topic of class 9, and the subject is social science and the chapter is the story of village Palampur. And to discuss this topic in detail, I would like to invite Sushil Kumarji, PGT, PM Shri, KV Asansol. Welcome to the session, sir. Namaskar. Namaskar, sir. Swagat hai aapka hamare aaj ke satra mein. तो आज के इस सत्र में हम बिल्कुल बात करेंगे हमारे इस खास विषय पर जो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. और इस विषय से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8800440559, और इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं, अपनी क्वेरी लिख सकते हैं और हमें मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी पर. हमारी मेल आईडी है dth.class9@cit.nic.in. और जैसा कि आज मैंने आपसे डिस्कस किया कि आज हम जो चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसके बारे में जानेंगे. और बिल्कुल हम कनेक्ट करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से, और मैं स्वागत करना चाहूँगी एक बार फिर से सुशील कुमार जी का. सुशील जी, स्वागत है आपका. नमस्कार. थैंक यू मैम. जी, जी. तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो चैप्टर है वो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. तो ये कौन सा विलेज है और क्या है इसके बारे में, आप हमें विस्तार से इस चैप्टर के बारे में जानकारी दीजिए. जी मैडम, जी धन्यवाद. और आज की इस सेशन की शुरुआत से पहले, सबसे पहले मैं सुशील कुमार, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आसनसोल से सभी दर्शकों का आस्था, सुचिता और सामाजिक सद्भाव के इस महापर्व छठ की बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को देता हूं. ठीक मैडम, आपको भी और सभी दर्शकों को. जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं. अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की. जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, द स्टोरी ऑफ विलेज पार्क. आइए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस सेशन के द्वारा हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, हमारा क्या क्या लर्निंग आउटकम्स होगा. सबसे पहले इसे समझने का प्रयास करते हैं. इस सेशन के एंड के बाद बच्चों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होते हैं, दे विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. देन आफ्टर दे विल एनालाइज द वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के लिए क्या क्या कारक बहुत जरूरी होते हैं और किन किन साधनों की आवश्यकता हमें होती है, बच्चे जो है इसे भी एनलिस्ट आसानी से कर पाएंगे. इसके बाद दे कैन एनालाइज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ दीज फैक्टर्स, यानी उत्पादन के जो भी फैक्टर्स होते हैं, जो भी रिसोर्सेज होते हैं, कोई एक रिसोर्स नहीं होता, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारे सोर्सेज होते हैं, और सभी सोर्सेज में अंतर संबंध होते हैं, इंटर रिलेशन होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होता है. बच्चों को ये बात आसानी से इस सेशन के बाद समझ में आ जाए. फिर बच्चे फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बीच में क्या संबंध है, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये कैसे आवश्यक है, इनका क्या महत्व है, ये भी बच्चों को आसानी से पता चल जाएगा. वो लिख पाए. इसके बाद फार्मिंग के लिए क्या सुटेबल कंडीशंस होते हैं और उनके लिए क्या क्या जरूरी फैक्टर्स होते हैं, ये भी बच्चों को समझ में आ जाएगा. और हम जानते हैं हर एक समाज में कुछ इनइक्वलिटीज होती है, तो कैसे जस्टिफाइड तरीके से एक समाज में इक्वलिटी आए, जस्टिफाइड न्यायपूर्ण तरीके से, न्याय संगत तरीके से, बच्चों को इस सॉल्यूशन के बारे में भी विचार करने के लिए प्रेरित करूँगा. आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, और जानते हैं सबसे पहले इस सेशन में कौन कौन से टॉपिक कवर करें. जी, सबसे पहले इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू कवर द ज्योग्राफिकल एंड सोशल कंपोजिशन ऑफ पालमपुर. देखिए, किसी भी प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए, वहाँ की आर्थिक गतिविधियों को समझने के लिए, वहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशंस को, वहाँ के सामाजिक अंतर संबंधों को, सोशल कंपोजिशन को समझना बहुत ही जरूरी है.
आप जानेंगे कि पालनपुर जिस गांव की हम बात करने जा रहे हैं वहां की जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, देन जी जो वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो उससे उत्पादन होता है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स की आवश्यकता हो रही है, एंड एट लास्ट देखेंगे हम फैक्टर में एक जरूरी फैक्टर होता है कैपिटल। तो कैपिटल कितने तरह के होते हैं उनको हम समझने का कोशिश करें, फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल के बीच के डिफरेंस को समझेंगे, देन वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल के बीच के डिफरेंस को हम इस सेशन के बाद निश्चित रूप से समझने में सफल जी। तो सर क्या हम यहाँ पर जान सकते हैं कि क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनके बारे में आप हमें बताइए। जी सर्वाइवल के लिए कई तरह के काम करते हैं जी, आप देख सकते हैं जैसे मैं टीचर हूँ, मैं प्रोफेशनल टीचर हूँ, स्कूल में आपको उसके बदले कुछ रिमुनरेशन मिलता है, लोग टीचर्स हैं, लोग इंजीनियर्स हैं, आर्मी में होते हैं लोग, लोग इंडस्ट्री चलाते हैं, लोग एग्रीकल्चर में लगे होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट का काम करते हैं जी, तरह तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लोग पार्टिसिपेट करते हैं जी। और तो अलग अलग जी सर, अगर हम बात करते हैं कि हमें अपना जीवन यापन करना है तो उसके लिए हम बहुत सारे काम करते हैं जिसमें जिस शहर में जो इंसान रहता है वो उस शहर की गतिविधि को करता है, जैसे कई जगहों पे अगर हम बात करें तो गांव से जुड़े जो लोग हैं तो खेती जो है वो जीवन यापन के लिए एक मुख्य ज़रिया है, तो हम खेती को अपना साधन बनाते हैं। तो साथ ही साथ आपने जैसा कि हम एक और जरूरी चीज का ख्याल रखना है जी, हम जो गतिविधि करते हैं उनको करने के बाद जब हमें कुछ रिम्यूनरेशन मिलता है, कुछ हमें मनी मिलती है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, व्हेन आई एम अ टीचर टीचिंग स्टूडेंट एंड गेटिंग सैलरी फॉर यू देन इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बट व्हेन आई एम टीचिंग माई चिल्ड्रन इन माई होम देन इट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मैं वहां भी पढ़ा रहा हूँ लेकिन वहां पढ़ाने के बदले में मुझे कोई इनकम नहीं मिली। तो सर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहाँ पे हम जो भी काम कर रहे हैं उससे जो होने वाली आमदनी है, आमदनी का जो सोर्स है, मतलब अगर हम जैसा कि आपने कहा कि आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, आप स्कूल में हैं और आप स्कूल जा रहे हैं, फिर आपको एक सैलरी जो मिलती है, तो हम उससे इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए किया जा रहा है। क्या मैं सही समझ पा रही हूँ सर इस बारे में? जी बिल्कुल बिल्कुल, जब हम काम कर रहे हैं उसके बदले में हमारा कुछ इनकम हो रहा है देन इट विल बी कंसीडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट जब हम काम एमेटर तरीके पे करते हैं, एमेटर सोखिया तौर पे कर रहे हैं, हम उनको करने से अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं देन इट इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी सर अलग अलग होती है, जैसे हम बात करते हैं कि प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्या आप हम इस बारे में भी अभी बात कर सकते हैं? जी जी मैम, वही मैं अभी बात कर रहा था, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको हम तीन भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्शियरी एक्टिविटीज। बिल्कुल, जब हम बात करते हैं प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द नेचर, जो हम डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ के जब हम उत्पादन करते हैं तो ऐसी एक्टिविटीज जो है वो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज में आती है। जैसे आप देख लीजिए एग्रीकल्चर का काम हो, डेयरी का काम हो, फॉरेस्ट्री का काम हो, ऑल दीज एक्टिविटीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नेचर विद द हेल्प ऑफ द रॉ मटेरियल्स, सो दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जब हम प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्शंस हैं उनको हम प्रोसेस्ड करके मैकेनिकल तरीके से जब हम ट्रांसफॉर्म्ड करते हैं तो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज में आती है। अब उदाहरण के लिए आप ले लीजिए गेहूं उगाया आपने, गेहूं जाके फिर मिल में आटा बना, उस आटे से ब्रेड बना, ये क्या हुआ? सेकेंडरी एक्टिविटीज में हुआ, जहां रॉ मटेरियल्स गेहूं को क्या किया गया, मैकेनिकल तरीके से प्रोसेसिंग की गई, उसे एक नया रूप दिया गया, दिस इज नोन एज व्हाट? सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड द लास्ट वन इज टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक ऐसा सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो डायरेक्टली कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा,
it is providing various type of services, and without the help of these services, no rest other sectors like primary, secondary can grow. अगर टर्शियरी सेक्टर अपनी सर्विस नहीं देगी तो ना तो प्राइमरी सेक्टर को ग्रो करने का मौका मिलेगा और ना ही सेकेंडरी सेक्टर को ग्रो करने का मौका मिलेगा. यही कारण है टर्शियरी सेक्टर को जो है सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, और किसी भी सेक्टर की ग्रोथ के लिए टर्शियरी सेक्टर का महत्व बहुत ज्यादा होता है. जी. अब हम आगे बढ़ते हैं. जैसे कि हमने बताया इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम तीन तरह से क्लासिफाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. लेकिन एक बात का ख्याल रखना है बच्चों आपको यहाँ पे, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं चाहे वो प्राइमरी के हो, सेकेंडरी की बात करें या टर्शियरी की बात करें, अर्बन और रूरल एरियाज में कंडक्ट होने वाले इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी आपको बहुत सारे अंतर देखने को मिलेंगे. कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो केवल शहरों में संपन्न होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो केवल गाँव में संपन्न होते हैं. उदाहरण के लिए एग्रीकल्चर जो है वो मेनली क्या है, गांव में ही संभव हो सकता है. शहरों में एग्रीकल्चर नाम मात्र का है या बिल्कुल नहीं के बराबर होता है. वैसे ही अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉइज की बात करें, हम प्रोफेशनल्स की बात करें, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रायः ये क्या है आपको शहरों में प्रैक्टिस करते हुए दिखेंगे. बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की बात करें, ये सारे इंडस्ट्रीज आपको जो है शहरों में देखने को मिलेंगे. यानी अर्बन और रूरल एरियाज में कंडक्ट होने वाले, परफॉर्म किए जाने वाले इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी हमें बहुत सारा अंतर देखने को मिलता है. सर ये साथ ही साथ यस मैम. जी सर आप बताइए. जी या सो टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन रूरल एरिया. एक्चुअली आज जो हम इस सेशन में चर्चा ही करने जा रहे हैं वो इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि एक रूरल एरिया में जो है कौन कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं और उनके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं. और ये जो रूरल एरियाज की कहानी पढ़ रहे हैं थ्रू ए हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर. बट बिफोर डिस्कसिंग द इकोनॉमी ऑफ पालमपुर इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफिकल एंड सोशल सराउंडिंग्स. निश्चित रूप से हम पालमपुर के सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम वहाँ की ज्योग्राफिकल और सोशल सराउंडिंग्स को भी समझने की कोशिश करेंगे. जी. ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ पालमपुर. बच्चों एज अर्लियर डिस्कस्ड पालमपुर इज ए स्मॉल हाइपोथेटिकल विलेज. बच्चों ऐसा नहीं है कि पालमपुर नाम का गांव आपको नहीं मिलेगा. आप अपने सराउंडिंग में, हो सकता है आपके सराउंडिंग में ही पालमपुर नाम का कोई गाँव होगा, लेकिन हम यहाँ जिस पालमपुर की बात कर रहे हैं ये काल्पनिक गांव है. हमने सुविधा के नजरिए से एक नाम दिया गया है यहाँ पालमपुर, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये कल्पना में रखा गया ये गांव है. जी. अब इस गांव की जब हम सराउंडिंग की बात करें तो हम क्या पाते हैं, इट इज वेल कनेक्टेड विद सम अदर विलेजेस. यानी ये गांव जो है उसके आसपास भी कई सारे छोटे छोटे गाँव है और एक बड़ा विलेज भी है रायगंज, जहाँ उनकी जरूरत की चीजें मिल जाती है. रायगंज में उनकी डेली नेसेसिटीज की सारी चीजें मिल जाती है जो वहां से लगभग 3 किलोमीटर. इसके अलावा उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे जाते हैं तो एक छोटा स्मॉल टाउन भी है वहां पे जो शाहपुर के नाम से जाना जाता है, और शाहपुर में प्रायः उनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती है. वेन वी गो अहेड, जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, जितने भी ये गाँव है चाहे वो पालमपुर हो, उसके आसपास के गाँव हो, रायगंज हो, शाहपुर हो, ये सभी गांव और छोटे कस्बे, शहर सभी आपस में एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्टेड हैं. सभी तरह के ट्रांसपोर्टेशन के साधन यहाँ पे मौजूद हैं और सभी तरह के मौसम में टिकने वाली सड़कें भी यहाँ पे मौजूद हैं. जी. अब आ जाइए हम बात करते हैं सोशल ग्रुप्स. पालमपुर का समाज कैसा है. बच्चों इस कल्पनातीत गांव की जो हम बात कर रहे हैं, जो हम हाइपोथेटिकल विलेज की बात कर रहे हैं, इस गांव में लगभग 450 फैमिलीज हैं जो अलग अलग जाति समूह से, अलग अलग जो है आर्थिक स्थिति, आर्थिक हैसियत से बिलोंग करते हैं. इन 450 परिवारों में 80 परिवार ऐसे हैं जो शक्तिशाली और रिच परिवार से जुड़े, जो बहुत ही शक्तिशाली हैं या बहुत ही अमीर हैं,
और अगर हम बात करें तो इस गांव की ज्यादातर जमीनें इसी वर्ग के पास है, यानी 20% ऑलमोस्ट 20% ऑफ द फैमिली ऑफ द विलेज हैज ऑलमोस्ट 80% ऑफ द लैंड। 20% लोगों के पास ही 80% जमीनें हैं जी। इनके पास बड़े बड़े घर हैं, इनके घर जो हैं पक्की ईंटों से बने हुए हैं एंड वेल प्लास्टर्ड, दिस आर वेल प्लास्टर्ड। जब हम बात करें ऑलमोस्ट 40% जो यहाँ की आबादी है वो ऐसे वर्ग की है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हैं, जिन्हें बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं मिली। इनके पास जमीनें भी, इनके पास संसाधन भी बहुत ही कम है, जो बहुत ही छोटे घर में रहते हैं। ज्यादातर लोगों के घर जो हैं वो कच्चे घर भी हैं और गांव के एक किनारे में इनके घर बने हुए हैं। लेकिन एक बात अच्छी है कि पालमपुर गांव में सड़क के साथ साथ यहाँ बिजली की व्यवस्था भी प्रॉपर है, यहाँ प्रॉपर इलेक्ट्रिक कनेक्शन है जो प्रोडक्शन में बहुत ही हेल्पफुल है। नाउ अब हम शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन की। तो बच्चों जैसा कि बताया पालमपुर वेल कनेक्टेड है रोड से भी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की भी सुविधा बहुत अच्छी है, इरिगेशन के साधन भी उपलब्ध हैं, स्कूल और हेल्थ सेंटर भी यहाँ पे है। और यही कारण है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी लगभग सभी तरह के काम यहाँ पे परफॉर्म्ड होते हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। सो यहाँ पे कई तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। ऑल्दो एग्रीकल्चर इज द प्राइम एक्टिविटी और द प्राइमरी एक्टिविटी, यानी ग्रामीण क्षेत्र है इसलिए गांव के ज्यादातर जो लोग हैं उनका मुख्य पेशा, उनका जो मुख्य काम है वो क्या है, एग्रीकल्चर। लेकिन एग्रीकल्चर के अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं। अब बच्चों को ये डाउट हो सकता है सर गांव में किस तरह का स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। बच्चों गांव में अचार बनाने का काम होता है, चादर बनाने के काम होते हैं, ये गांव के लोग जो हैं उनसे बड़ी बड़ी कंपनियां जुड़ी रहती हैं जो उनसे प्रोडक्शन करवाती हैं, फिर उन प्रोडक्शन को अपने नाम से अपने ब्रांड से क्या होती है बेचने का काम करती है। इसके अलावा गांव में पालमपुर की बात करें डेयरी का भी काम है, ट्रांसपोर्टेशन का भी जो है काम है, यानी अलग अलग तरह के लोग अलग अलग काम करते हैं लेकिन मुख्य पेशा जो है उनका वो एग्रीकल्चर है। और चूंकि एग्रीकल्चर यहाँ का मुख्य पेशा है तो हम सबसे पहला समझने की कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने में या एग्रीकल्चर को कंडक्ट करने में कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो जरूरी। बिल्कुल सर, हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जल्दी हम इस बारे में बात करेंगे क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है हमारे पास, तो हम कोशिश करेंगे कि हम जितना ज़्यादा इस बारे में बात कर चुके। और साथ ही मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल भी करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस है या जोग्राफिकल कंडीशंस है, जो सराउंडिंग्स हैं, कि उसका किस तरीके से हमारी जो इकनॉमी है, और हम पालमपुर की बात कर रहे हैं जो गाँव है, तो उस पर किस तरीके से इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है और इनका क्या रिलेशन है? जी मैम, एक्चुअली ज्योग्राफिकल सराउंडिंग्स का और सोशल कंपोजिशन का इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बहुत अहम योगदान है जी। अगर हम बात करें किसी प्रदेश की, हम सभी जानते हैं चाहे किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ का सॉयल, टाइप ऑफ लैंड, बहुत अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन में ये अलग होते हैं जी। जिसके कारण वहाँ होने वाली फसल भी क्या होती है, अलग अलग। कई जमीन बैरन भी होते हैं, कई जमीन काफी फर्टाइल भी होते हैं, जिसके कारण वहाँ रेट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होता है, प्रभावित होता है। उसी तरह अगर हम बात करें सोशल कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको समझने के लिए आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर गांव में किसी एक वर्ग का वर्चस्व ज्यादा हो जाएगा, कुछ ही लोगों के पास रिसोर्सेज ज्यादा एक्युमुलेटेड हो जाएंगे तो गाँव का सर्वांगीण विकास करने में बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए किसी भी प्रदेश के इकोनॉमिक कंडीशन को जानने से पहले वहाँ के सोशल और वहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशंस को समझना बहुत ही जरूरी। और आइए इसी कड़ी में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है जी। जैसे कि अभी बात हुई, सबसे पहले जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का वो लैंड है, सबसे जरूरी और सबसे पहला फैक्टर है लैंड। अभी जैसे कि हमने बताया क्वालिटी ऑफ लैंड, टाइप ऑफ लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट।
हर एक जमीन की क्वालिटी अलग होती है, उसका प्रोडक्टिविटी रेट अलग होता है, वहाँ पे जो बिछी हुई जो सॉइल है वो अलग होती है, और वही जो है वहाँ के प्रोडक्शन के लिए अकॉर्डिंगली जरूरी होता है। वहाँ कितना रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन हो सकता है, वहाँ पानी की कितना सुविधा है, इसलिए जब भी खेती की जाती है तो इन सारे चीजों का ख्याल रखा जाता है। सेकेंड है लेबर। प्रोडक्शन चाहे हम कुछ भी करें उसके लिए लेबर बहुत जरूरी है, और लेबर दोनों तरह के होने चाहिए, स्किल एंड अनस्किल्ड लेबर दोनों जरूरी है। अब यहाँ भी बात आ सकती है कि खेती में स्किल और अनस्किल्ड लेबर की क्या बात है। बच्चों यहाँ आपको समझना जरूरी है, इंडिया में फर्टिलिटी जो है जमीन की हमारी बहुत ज्यादा है, फिर भी हमारा जो प्रोडक्शन रेट पर हेक्टेयर है इट इज वेरी लेस कंपेयर टू अदर डेवलप्ड नेशंस। कारण क्या है, हमारे देश में खेती को अनस्किल्ड लोगों का काम माना जाता है, पढ़े लिखे लोग ज्यादातर खेती से नहीं जुड़े हैं। हालांकि नए जमाने के साथ इस ट्रेंड में बदलाव आ रहा है, अब बड़े बड़े शहरों के आसपास पढ़े लिखे वर्ग भी खेती में आ रहे हैं, वो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और उससे अच्छा इनकम कर रहे हैं। एक्चुअली क्या कारण था, पढ़े लिखे लोग इसमें नहीं शामिल होते थे, बिकॉज खेती को अनप्रोडक्टिव लेस इनकम वाला वर्क मानते थे। इसीलिए ये जरूरी है कि खेती में भी पढ़ा लिखा वर्ग आए, जिससे क्वालिटी भी क्वांटिटी भी सभी कुछ बढ़ेगा और खेती हमारे लिए एक बहुत ही इमर्जिंग इंडस्ट्री मतलब जो है प्राइम इकोनॉमिक एक्टिविटीज फिर से बन पाएगी हमारे लिए। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हम सभी जानते हैं बहुत जरूरी है खेती के लिए, बिकॉज इंडिया इज ए मानसून बेस्ड कंट्री। हमारे यहाँ बारिश जो है मानसूनी जो बारिश है वो खेती के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन मानसून हमेशा एक जैसा नहीं होता, जिसके लिए फसलों के लिए इरिगेशन की आवश्यकता होती है, और इरिगेशन तभी संभव है जब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा प्रॉपर मौजूद होगी। एंड लास्ट दैट इज कैपिटल। कैपिटल की जब हम बात करें दो तरह के कैपिटल है, वन इज फिजिकल कैपिटल एंड सेकेंड इज ह्यूमन कैपिटल। जी आई हम देखते हैं, तो हम जल्दी से इसको समझ लेते हैं क्योंकि समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर से कि हम जल्दी से इसको आप हमें जो हमारा पॉइंट है ह्यूमन कैपिटल और जो फिक्स्ड कैपिटल वर्किंग कैपिटल है उसमें क्या डिफरेंस है। जी जी श्योर। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैपिटल एक्चुअली है क्या। देखिए कैपिटल हम किसी भी स्टेज का प्रोडक्शन करें उसके लिए डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, और वो रिसोर्सेज हमें मॉनेटरी फॉर्म में अवेलेबल होता है, वो हमें पैसे से ही मिल सकता है। इसीलिए अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में देखें तो कैपिटल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जरिया होता है, और वो हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। और इस आधार पे जब हम बात करें हम कैपिटल को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है फिजिकल कैपिटल एंड सेकेंड इट इज ह्यूमन कैपिटल। आइए हम बारी बारी से दोनों कैपिटल को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल कैपिटल को समझेंगे, फिर हम ह्यूमन कैपिटल को भी समझेंगे। जी फिजिकल कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इन मॉनेटरी फॉर्म टू गेटिंग रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए मैंने अभी बताया हम किसी भी तरह का उत्पादन करें उसके लिए हमें कई तरह के संसाधनों की आवश्यकता होती है, और ये संसाधन हम तभी जुगाड़ कर पाएंगे, तभी उसका इंतजाम कर पाएंगे जब हमारे हाथों में पैसा हो। बिल्कुल सर। और सर क्विकली हम जानना चाहेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में हमें बताइए। अब हम बात करें फिजिकल कैपिटल की, अगर बात करते हैं मैडम तो फिजिकल कैपिटल भी दो तरह के होते हैं। जी एक फिक्स्ड कैपिटल होता है, दूसरा वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में क्या क्या आते हैं, टूल्स मशीन्स ट्रैक्टर्स। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आते हैं, रॉ मटेरियल्स एंड मनी जो हमारे हाथ में है वो भी जो है वर्किंग कैपिटल के अंदर में आता है। अब दोनों के बीच में एक बार डिफरेंस समझ लें हम जल्दी से। फिक्स्ड कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल है जिसको जिसका इस्तेमाल करके हम कुछ ऐसे संसाधन खरीदते हैं, हम ऐसे सोर्सेस का इंतजाम करते हैं जिसको प्रोडक्शन में हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया खेती के लिए जो हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो पंप सेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, हम उसको प्रोडक्शन में बार बार इस्तेमाल में ला सकते हैं। ऐसे कैपिटल जो है वो फिक्स्ड कैपिटल कहलाते हैं। एक बात बच्चों ध्यान रखना जरूरी है, फिक्स्ड कैपिटल इज नॉट एट ऑल लिक्विड। फिक्स्ड कैपिटल जो है लिक्विड नहीं होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसको
कैश के रूप में कन्वर्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। एक बार जब आपने खरीद लिया तो उसको आपको इस्तेमाल करना है, उसको आप कैश के रूप में जल्दी से कन्वर्ट नहीं कर पाए। सर बिल्कुल, और समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम सत्र को अभी आगे बढ़ाएं। लास्ट पॉइंट है, विद इन टाइम फ्रेम वी विल कंप्लीट द सेशन एक्चुअली। लास्ट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की जब बात करें, वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जिसको हम डे टू डे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, यानी हर स्टेज पे जो हम रिसोर्सेज खरीद रहे हैं उसके लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। वर्किंग कैपिटल यानी हमारे हाथ में जो मनी है, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। इसको जब चाहें, हमको जिस रूप में चाहें, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब आज का लास्ट टॉपिक हम ह्यूमन कैपिटल को भी समझ लें। ह्यूमन कैपिटल है क्या? देखिए, मनुष्य भी प्राइमरी फॉर्म में बचपन जो उनका होता है एक साधारण लाइफ की तरह होता है, लेकिन मनुष्य लगातार सीखने वाला प्रजाति है। हम जो है लगातार सीखने के लिए तैयार रहते हैं, लगातार नए तरह के स्किल्स को हम एक्युमुलेट करते हैं, हम लगातार अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं। तो जो नॉलेज, जो स्किल, जो हेल्थ हमारे पीछे इन्वेस्ट किया जाता है वो हमको इस योग्य बना देता है कि हम एक प्रोडक्टिव मेंबर के रूप में दिखना शुरू हो जाते हैं। और इसी से और इसीलिए इंसानों को भी कैपिटल कहा जाता है। बिल्कुल, और ये जो है ये हमारा हुआ ह्यूमन कैपिटल। बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस टॉपिक पे जानकारी देने के लिए। आज हमने बात की चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारा इस सेशन में जुड़ने के लिए। नमस्कार मैडम, धन्यवाद। और पीएम ई विद्या चैनल से जुड़ने वाले सभी दर्शकों का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। जी शुक्रिया सर। और साथ ही साथ बिल्कुल आपको हम बताना चाहेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो अब आप इस सेशन के बाद देखेंगे। तो अभी कुछ ही देर में आप जुड़ेंगे, हमारे मैथ्स का ये सब्जेक्ट है और क्लास नाइन्थ, और टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम्स, और इसका पार्ट वन आज जानेंगे समझेंगे। और 3 बजे आप जुड़ेंगे आप साइंस के सत्र के साथ, क्लास टेंथ का ये विषय रहेगा। और आप का जो हमारा आज का जो विषय है वो है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और उसके बाद 3:30 से 4 बजे आप इंग्लिश क्लास 10th का चैप्टर फॉर एनी ग्रेगरी, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और 4 से 5 आप देखेंगे पेरेंटल कंट्रोल्स एंड मॉनिटरिंग विषय पर आधारित हमारा ये सत्र। और 5 से 5:30 बजे आप देखेंगे सहयोग, और उसमें आज हमारा विषय रहेगा यूसेज ऑफ सोशल मीडिया। और उसके बाद समय होगा 5:30 से लेकर 6:15 बजे तक स्कूल लीडरशिप एंड डेवलपमेंट। और साथ ही साथ आप बने रहिए हमारे साथ, इन प्रोग्राम्स को आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एक्सपर्ट से जानकारी लीजिए। इसी सत्र, आज के सत्र में बस इतना ही। इसी के साथ अब मैं नुप्रकुल श्रेष्ठ आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।